Hello friends, welcome back. This is Rajkumar Yadav and we are going to see the second topic, that is income and other goals. If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. Agar aap table 1.1 ek bar dekhoge fir se, to aapko ek common cheez nazar aayegi. Wo kya hoga? What people desire are regular work, better wages and decent price for the crops or other products that they produce. To jyadatar logo ki ichha kya hoti hai? Ki unko regular work mile. अच्छी जॉब मिले, परमानेंट जॉब मिले, अच्छे वेजेस मिले और उनके क्रॉप्स के लिए या फिर जो भी कुछ प्रोड्यूस करते हैं ना उन प्रोडक्ट्स के दाम सही मिले. इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम. इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो उनको ज़्यादा इनकम चाहिए. बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम वन वे और दी अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स. देखो इनकम के अलावा और कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान को चाहिए होती है? उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए होता है कि उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, उनको फ्रीडम मिले, उनको सिक्योरिटी मिले और उनको दूसरों का रिस्पेक्ट मिले, एटलीस्ट उनको सब लोग रिस्पेक्ट करें. इस तरह से दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन. ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स. देखो इन लोग को डिस्क्रिमिनेशन अगर कभी भी इनके साथ किया जाए तो उनको बहुत बुरा लगेगा. ऑब्वियसली किसी भी इंसान को बुरा लगेगा. तो इनकम के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? तो इस पैराग्राफ में वो सारी चीज़ें आ गई. अपार्ट फ्रॉम इनकम व्हाट डज अ पर्सन नीड? सो ही विल नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड ही विल नॉट लाइक एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजम्पशन बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव. देखो कई बार ऐसा होता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना इनकम से ज़्यादा ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. भले इनको इनकम नहीं मिलेगी उतनी चलेगा, तो क्योंकि इनको पता है कि जीने के लिए सिर्फ मटेरियल गुड्स काफ़ी नहीं है, उसके सिवाय भी बहुत कुछ चाहिए. मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट is one factor on which our life depends. पैसा या फिर बाकी सारी material चीज़ें जो पैसा buy कर सकता है, ये एक factor है जिस पर हमारी life depend करती है. But the quality of our life also depends on non-material things mentioned above. लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है. पैसे के सिवाय हमारी जो life की quality होगी वो इस पर भी depend करती है ना कि कौन कौन सी non-material चीज़ें हैं. हमने जो भी discuss किया ना, respect, फ्रीडम, राइट, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए. इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ. यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप. सिमिलरली देर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइव्स. आपको ये शायद ऑब्वियस ना लगे, लेकिन खाली इतना सोचो कि आपकी लाइफ के अंदर आपके फ्रेंड्स का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है. आपको उनकी फ्रेंडशिप चाहिए होती है, आप डिज़ायर करते हो उनकी फ्रेंडशिप. इसी तरीके से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मापा नहीं जा सकता, लेकिन ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. दीज आर ऑफन इग्नोर्ड और कई बार हम वो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं. यहाँ पे नीचे एक डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग है किसके खिलाफ, जो सरदार सरोवर डैम बन रहा है ना नर्मदा रिवर के, तो वहाँ पे इसके खिलाफ यहाँ पे मीटिंग हो रही है. राइट, आपके यहाँ पे फोटो इसमें लगा हुआ है. अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है? हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन नॉट बी मेजर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट. लेकिन ये तो बेकार होगा ना, ये गलत होगा ऐसा कहना कि जिसको आप माप नहीं सकते वो चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है. बिल्कुल नहीं. कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोसफियर और अपॉर्चुनिटी टू लर्न. देखो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपको मान लो एक जॉब मिली, ठीक है, आपके घर से काफ़ी दूर वो जॉब है, लेकिन उस जॉब का ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले आप बहुत सारी बातों को ध्यान में रखोगे. कौन कौन सी बातें आपके लिए इनकम से ज़्यादा, उस जॉब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी? ये कि इनकम के सिवाय आपकी फैमिली को उस जगह पर कौन कौन सी फैसिलिटी मिल सकेगी, वो वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, या फिर वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे कुछ नया सीख सकोगे, ये सब बातें भी इंसान ध्यान में रखता है. और दूसरे केस में मान लो कोई जॉब है जिसमें पैसे कम मिलते हैं
और हो लेकिन ये एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब यहाँ से आपको कोई निकालेगा नहीं जैसे भी तैसे करके। और ये रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की वजह से आपको लगता है कि हाँ, आपके जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है ना, जो इंसान सोचता है ना कि हाँ मैं सिक्योर हूँ, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो इस तरह की जॉब में पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर आपको नज़र आता है। और दूसरी एक जॉब है जहाँ पे पैसे ज़्यादा मिलते हैं लेकिन जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, कभी भी हो सकता है कि आपको निकाल दे जॉब पर से, राइट? तो एंड ऑल्सो लीव नो टाइम, ठीक है, भले वहाँ पे जॉब वहाँ पे इनकम ज़्यादा है लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है एक तो, और दूसरा क्या, इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है कि आप अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते। तो इससे होगा क्या, इससे जो आपका होगा ना एक तरीके का जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है आपके मन में, वो कम हो जाएगा, आपकी फ्रीडम भी कम हो जाएगी। अगर बहुत बड़ी जॉब कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं मंथली, लेकिन आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, या तो फिर आपको वहाँ पे उतनी आज़ादी नहीं मिलती, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, आराम करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो इस तरह की जॉब का कुछ मतलब नहीं है। आगे देखते हैं। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। देखो, डेवलपमेंट के लिए ही लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, एक टाइप के गोल्स नहीं होते, काफ़ी सारे गोल्स का मिक्सचर होता है एक। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ वुमन आर एंगेज इन पेड वर्क, दैट डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज। हाउ एवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ देर इज रिस्पेक्ट फॉर वुमन, देर शुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमन वर्किंग आउटसाइड। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, देखो कि ये तो एक बात सच है ना कि अगर कोई वुमन वर्किंग वुमन है तो उसका जो स्टेटस है सोसाइटी में, जो डिग्निटी है उसके घर के अंदर और सोसाइटी के आसपास में, वो बढ़ जाती है क्योंकि वो कमा रही है और घर का खर्चा भी चला रही है, हेल्प कर रही है घर के खर्चे चलाने में। लेकिन ये बात भी सच होगी कि अगर उसके घर के काम में भी उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसके घर के काम में भी सब लोग शेयर करके उसका काम करें, उसके घर के काम के वैल्यू के हिसाब से भी उसकी रिस्पेक्ट की जाए, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर घर के अंदर उसको काम उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो घर के बाहर भी जब वो जॉब करने जाएगी तब भी उसको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है घर में काम कर रहे हो तो बाहर भी जाके जॉब कर सकते हो। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। तो किसी भी वुमन के लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि वहाँ के एनवायरमेंट जहाँ पे वो काम कर रही है वो सेफ हो और सिक्योर एनवायरमेंट हो। इसी वजह से वुमन अलग अलग टाइप की जॉब्स कर पाएंगी या तो किसी भी टाइप का बिजनेस वो कर पाएंगी। हैज़ द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। इसीलिए जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, जो लोगों के मन में सिर्फ ये नहीं होता कि खाली हाँ मेरी इनकम अच्छी हो जाए, ऐसा नहीं, लेकिन और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐसा बिल्कुल नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान देखता है किसी भी जॉब को पकड़ने से पहले या फिर करने से पहले। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लेट्स वर्कआउट वर्क दिस आउट, ये सब हमें नहीं करना है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट, ऊपर जो हमने जितना भी बात किया था वो हमने एक इंडिविजुअल लेवल पे बात किया था कि एक इंसान के लिए कैसा होता है डेवलपमेंट का मतलब, ठीक है, उसके लाइफ में गोल्स क्या होता है। अब देखेंगे एक देश को, अगर आपको डेवलप्ड देश बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं, किस तरह के देश को आप डेवलप्ड कंट्री कह सकते हो। इफ़ वी आस्क, इफ़ वी हैव सीन अबव, इफ एज इफ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, देन द नोशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। डिस्कस अमंग योर सेल्फ एंड ऑन वॉट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट। तो जैसा आपने ऊपर देखा, इंडिविजुअल्स हर इंसान अलग अलग तरह के गोल्स को पाना चाहता है, इसी तरीके से उनकी जो समझ है नेशनल डेवलपमेंट को लेकर, वो भी हो सकता है कि अलग हो, डिफरेंट हो। तो आप अपने ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर क्या करना चाहिए ताकि डेवलपमेंट हो जाए। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन। अगर आपने डिस्कस किया भी तो हर बच्चा अपने तरफ से कोई ना कोई क्वेश्चन करेगा या फिर उसका आंसर अलग तरीके से देगा। हर बच्चे की नज़र में इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए अलग ही उसका अपना व्यू होगा, पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसका अपना खुद एक आइडिया होगा, एक उसकी अपनी एक खुद परसेप्शन होगी उस चीज़ को लेकर। इनफैक्ट यू माइट आस्क योर सेल्फ थिंक यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स एंड नॉट
बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दीज। हो सकता है कि आपके पास भी बहुत सारे अलग अलग आंसर्स हों, लेकिन आप श्योर नहीं होते कि हाँ इसमें से कौन सा आंसर सबसे बेस्ट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो हो सकता है आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अलग अलग इंसान के मन में नेशनल डेवलपमेंट को लेकर जो समझ होती है वो अलग अलग हो सकती है, और हो सकता है कि एक बंदे के मन में जो अंडरस्टैंडिंग है नेशनल डेवलपमेंट की, अगर वो किया जाए तो दूसरे बंदे की जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलपमेंट की उसके साथ में क्लैश होगा, राइट? अगर एक बंदा बोलता है कि हाँ हमारे देश में डैम्स ही डैम्स बनने चाहिए तो भी डेवलपमेंट होगा, और दूसरा बंदा कहता है कि नहीं फार्मर्स, अगर वो फार्मर्स को फेवर करता है तो वो कहेगा कि नहीं तुम्हारा जो बात है डेवलपमेंट का उससे मेरे जो समझ में डेवलपमेंट आ रहा है कि हाँ एग्रीकल्चर करने से किसान की फसलें अच्छी होंगी, सब कुछ होगा, उनके उनके लिए ज़्यादा लैंड चाहिए, तो तुम्हारा जो डैम बनाओगे डेवलपमेंट के नाम पे ये तो जो मेरा किसान है उसको लॉस होगा ना, उसको वहाँ से अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ेगा, तो तुम्हारा जो डेवलपमेंट है वो मेरे डेवलपमेंट के अंडरस्टैंडिंग के बीच में आ रहा है, ऐसा हो जाता है, राइट? हाउएवर कैन ऑल द आइडियाज़ बी कंसिडर्ड इक्वली इम्पॉर्टेंट, और इफ़ देर आर कन्फ्लिक्ट्स हाउ डज वन डिसाइड वॉट वुड बी अ फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। देखो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे आइडियाज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट हों? बिल्कुल नहीं। और अगर उनमें कोई झगड़े होते हैं, किसी भी टाइप के आइडियाज़ में गोल्स में झगड़े होते हैं, तो उसको डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा वाला इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं, और कौन सी चीज़ फेयर होगी और जस्ट होगी, कौन सा ऐसा रास्ता होगा जो सही होगा सबके लिए। वी ऑल्सो हैव टू थिंक वेदर देर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। हमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि कोई दूसरा बेहतर तरीका है चीज़ों को करने का, या फिर कोई ये जो हम लोग ने जो भी आइडिया बताया क्या वो आइडिया ज़्यादातर लोगों के भले के लिए होगा या फिर किसी एक ग्रुप के लिए भले के लिए होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है इन्हीं सब क्वेश्चन के बारे में जब आप आंसर देते हो ना, तब आप नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो। जब इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में सोचता है तो वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, लेकिन इंसान अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे देश की डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, या फिर पूरे देश के लोगों पर असर क्या पड़ेगा ये सब सोचता है। और इन सब क्वेश्चंस का अगर आंसर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसका मतलब ये है कि आप नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, पिक्चर है सब, और थोड़े क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बाजू में एक बिल्डिंग दिख रही हो तो ऑलराइट, और इसके नज़दीक में झोपड़पट्टी है तो इसी के बारे में कुछ क्वेश्चन होगा यहाँ पे, चलो देख लेते हैं। अ वेसल डम्प्ड 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इन टू ओपन एयर डम्प्स इन अ सिटी इन द सराउंडिंग एरिया। अब एक वैसल का मतलब क्या होता है इसमें, ये जो वैसल है ना, वैसल का मतलब बड़ा सा शिप या फिर बड़ा सा कंटेनर, बड़ा सा व्हीकल। ठीक है, तो इसने 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट को सिटी में डंप किया, ओपन एयर में डंप किया, उसमें उसके सराउंडिंग जो सी था ना, नजीक का जो उसका सी था वहाँ के एरिया में इसने इतना सारा 500 टन लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट वहाँ पे उसने गिरा दिया। अब ये कहाँ पे हुआ था, ये एक सिटी में हुआ था जो सिटी का नाम है अबिडजान, जो आइवरी कोस्ट में है। आइवरी कोस्ट एक कंट्री का नाम है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है आइवरी कोस्ट, और उसकी एक सिटी है छोटी सी अबिडजान, वहाँ पे ये हुआ था। अब इतना सारा लिक्विड वेस्ट अगर डंप किया है तो उसका इफ़ेक्ट तो आसपास पड़ेगा ना, तो इसके जितने भी इसके फ्यूम्स थे ना, जितना भी इसका धुआं था, सब कुछ था इस हाईली टॉक्सिक वेस्ट का, इसके वजह से वहाँ के लोगों में नौसिया, एक टाइप का डिसीज़, स्किन रैशेस, फेंटिंग होने लगे, सब लोग बेहोश होने लगे थे, डायरिया होने लगा था, और एक महीने बाद तो 7 लोग मर गए, 20 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और 26,000 लोगों को देखा गया कि उनके अंदर किसी टाइप की पॉइजनिंग है, उनमें पॉइजनिंग के लक्षण देखे गए थे। एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो पेट्रोलियम और मेटल्स में डील करती है, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था आइवरी कोस्ट की एक लोकल कंपनी को दिया था कि वही लोकल कंपनी
इनके पास से सारा सारा वेस्ट इकट्ठा करेगी और इसको अपने शिप में से डिस्पोज कर देगी, उसके शिप में से डिस्पोज कर देगी ये वाली कंपनी। तब इससे नुकसान किसको हुआ? देखो, एमएनसी को तो फ़ायदा हुआ ना कि उसका जो कचरा था कंपनी का सब कुछ, उससे छुटकारा मिल गया। लेकिन एक तरफ आइवरी कोस्ट की जो सिटी है, वहाँ की एनवायरनमेंट ख़राब हुई, वहाँ के लोगों को काफ़ी लॉस सहन करना पड़ा। तो एक तरफ किसी के लिए बेनिफिट है तो किसी के लिए लॉस भी है। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी है। एक्टिविटी वन में क्या दिखा रहे हैं? इवन इफ द आइडिया ऑफ व्हाट कंस्टिट्यूट्स डेवलपमेंट कैन बी वेरीड एंड कन्फ्लिक्टिंग, देन सडनली देर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट वेज ऑफ डेवलपिंग, राइट? हो सकता है ना कि आपके मन में जो आइडिया है डेवलपमेंट का, वो डिफरेंट हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। मतलब आपका जो आइडिया है डेवलपमेंट का, उसके वजह से किसी का लॉस हो रहा है। लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग तरीके हों डेवलपमेंट के। इफ़ यू नो ऑफ एनी सच कॉन्ट्रोवर्सी, ट्राई टू फाइंड आउट आर्ग्यूमेंट्स एडवांस बाय डिफरेंट पीपल। अगर आपको इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में पता है, तो आप उसके बारे में गूगल पे फाइंड आउट कर सकते हो कि उसके बारे में आर्ग्यूमेंट क्या क्या दिया गया था। उसके बारे में आप अलग अलग लोगों से बात कर सकते हो, या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में। ये तो आपके फ्री टाइम पे आप करना चाहो तो एक्स्ट्रा इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच चिरन। दिस इज़ राजकुमार यादव साइनिंग ऑफ।